हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो नीचे कमेंट्स में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं कि मैम पर्सनल सेशन कैसे बुक करें। तो आपने पर्सनल सेशन बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो के एंड में भी है, उसमें व्हाट्सएप करना है और उसके बाद मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एंड चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। इस वीडियो में सभी साइंस के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लग्न हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ माइकल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज़, मसले, चैलेंजेस रह सकते हैं। और देखिए, मैंने बहुत जोर देकर कहा कि छोटे मोटे इश्यूज़ तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस कार्ड की जो भी गाइडेंस है वो अगर आप लेके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इन्हीं इश्यूज़ को आप बहुत आसानी से ओवरकम कर लेंगे। तो देखिए, इस कार्ड के हिसाब से आपने चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। जितना आप लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, एक स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को अप्रोच करेंगे, उतना ही आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को आसान करेंगे। थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और वो बहुत नॉर्मल है जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती हैं या फिर थोड़े चैलेंजेस होते हैं तो परेशान तो हम होते हैं। लेकिन यही ट्रिक होती है कि उस टाइम अगर हम अपनी परेशानी को अपने ऊपर ना हावी होने दें तो फिर हम बहुत इजीली इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हम उस परेशानी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, तब हम उसी में स्टक होकर रह जाते हैं। और देखिए, मैं परेशानी वर्ड तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पेज ऑफ माइकल का कार्ड एक्चुअली में कोई मेजर परेशानी या फिर इशू, मसले की बात नहीं करता है। जो छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इरीटेट करती हैं, परेशान करती हैं, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब ये भी हो सकता है एरीज कि आप थोड़ा इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत इमैच्योर है। अब देखिए, इमैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता। कितनी बारी छोटे जो लोग होते हैं उम्र में वो बड़े मैच्योर होते हैं, और जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं वो बड़े इमैच्योर होते हैं। तो कोई भी हो सकता है जो इमैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ फिर से मेजर चीज़ रह रही है परेशानी वाली, बट यस, बहुत ग्रेट, बहुत स्मूथ चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से जितना लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे उतना इस वीक को आप आसान करेंगे। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो या तो इस वीक नहीं मिलेगा, और मिला तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। अगेन देखिए, पेजेस बहुत छोटी माइनर चीज़ों की बात करते हैं तो माइनर ही इश्यूज़, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ माइकल का कार्ड है। अब देखिए, ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड कहीं जो भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं उन पे फोकस करके खुद को परेशान करने की बात करता है। जो चीज़ हमने मिस कर दी उसको लेकर रिग्रेट करने की बात करता है। तो इस तरीके की एक नेगेटिव एनर्जीज या फिर मैं कहूँगी नेगेटिव इमोशंस आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ एरीज को ऐसे लग सकता है काश ये ना किया होता तो कितना अच्छा था, थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं काश वो ना कहा होता तो कितना अच्छा था। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है। अब देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया वो मैंने कहा, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि एक्सटर्नल फ्रंट में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आपका माइंड उसे बड़ा बना रहा है, और इसी लिए आप इतने परेशान भी हो रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड स्ट्रेस और टेंशन की बात करता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ये स्ट्रेस और टेंशन कहीं आपके ही माइंड का क्रिएट किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, इस चीज़ को मैं कहूँगी रिकॉग्नाइज़ कर लें, तो फिर ये वीक पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी ठीक ठाक जाएगा। लेकिन अगर आप इस ट्रैप में फंस गए जहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परेशानी को जब हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना,
तब एक्चुअली में हम परेशान होते हैं। जब परेशानी को हम पार्ट एंड पार्सल जिंदगी का समझकर उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका सलूशन है, उस पर फोकस करते हैं तो हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो पर्सनल फ्रंट में एंड प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इस तरीके की एनर्जीज रखने की ज़रूरत है। और फिर से आपको बता दूं कि प्रोफेशनल फ्रंट में कोई खास चीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक करते जा रहे हैं। एक वर्स्ट आउटकम हो सकता है, आप अपने माइंड में इमेजिन कर लें और फिर उसी को ही रियल मानकर खुद को टॉर्चर करें, खुद को परेशान करें। तो मैं इसलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ, आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आप ही क्रिएटर हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो वर्स्ट आउटकम आपका माइंड आपको बना के दे रहा है ना, आप उस पर ट्रस्ट ना करें, आप उसके उस पर यकीन ना करें, और अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे, जिन भी गॉड को आप मानते हैं उन पर कंप्लीट फेथ रखते हुए उस परेशानी को कह दें कि भाई आपसे बड़ा मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, और जब मेरा खुदा और मेरा भगवान इतना बड़ा है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरीके की एनर्जीज नहीं, फिर से कहूँगी ये वीक ठीक जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड मूनोलॉजी से आप लोगों के लिए न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए यहाँ पर रोमांटिक साइकिल लिखा हुआ है, और ये जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कहूँगी कि खाली रोमांटिक एरिया में ही, रोमांस के एरिया में ही कोई नई बिगनिंग हो रही है, ओवरऑल ही कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करना है, और कैसे आप एक फ्रेश नई बिगनिंग कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मेरून रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फोर ऑफ माइकल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा आप आराम, थोड़ा सा आप रेस्ट करने के मूड में रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इसके लिए रीजन सब टॉरस के लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थक गए, थोड़ा तो आराम करना बनता है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आराम नहीं करेंगे तो फिर उस टाइम तो हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन बाद में हमारी फिजिकल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए बीच बीच में थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देना, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है ना, हम नए सिरे से रिजुविनेट हो जाते हैं और फिर हम फुल अपनी एनर्जी के साथ अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। तो अगेन कुछ के लिए ये एक रीज़न रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेकर बड़े आप स्ट्रेस्ड हो रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को करते रहे तो फिर तो बहुत परेशान हो जाएंगे, माइंड को अगेन थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट पे कोई खास एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, या फिर जो भी हो रहा है वो इतना एक्साइटिंग नहीं है, आपको बड़ा बोरिंग लग रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप थोड़ा सा चीज़ों से विथड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा, सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी सी बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टर्न ऑफ रफेल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस जॉय आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इस हैप्पीनेस जॉय के सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, आप उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन या तो आपकी फैमिली में रह रही है, या फिर आपके किसी लव्ड वन या क्लोज वन की फैमिली में रह रही है,
आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी काम पे बहुत टाइम से आप यू नो वर्क कर रहे थे और वो फाइनली इस वीक कंप्लीट हो रहा है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए सेलिब्रेशन रहती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन का रीज़न सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट में हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है, और प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, उतना एक्टिवली या फिर उतना एंथुजियास्टिकली चीज़ों में प्रोफेशनल फ्रंट में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ज्यादा इंटरेक्शन हो रही हैं, तो देखिए इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है और यही हमें बाकी जो बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनसे अलग भी करता है। लेकिन जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, ओवर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तब भी हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है, इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ एरियल, और देखिए ये कार्ड टैरो में पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स कहीं मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में मनी फाइनेंसेस ज़्यादा आपका फोकस रहते हुए दिख रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली यू नो कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम आए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए, उस पर बहुत ज़्यादा आप अटेंशन दे रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को आप डील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल है या मेल फिगर भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और देखिए जो भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, फिर से मैं कहूँगी कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं मनी पैसा मटेरियलिस्टिक टैंजेबल चीज़ों से रिलेटेड मिलता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। ओवरऑल जो भी एक कम्फर्ट है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए दो मैजिशियन का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, मैजिशियन हमें यही याद दिलाता है कि हम सब के अंदर मैजिकल पावर्स हैं। होता क्या है ना कि हम बार बार शीशा देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सोल हैं, हम ये बॉडी नहीं हैं। और सोल अगर हम अपने आप को समझ पाएँ, यानी कि उस अवेयरनेस में हम रह पाएँ कि भाई हम सोल हैं, तो हमें अपनी शक्तियों का या फिर जो भी हमारे अंदर मैजिकल पावर्स हैं उनका भी एहसास रहता है, और फिर छोटी मोटी चीज़ों से हम परेशान नहीं होते हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे अंदर पावर है, हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी हो रहा है ये हमारी ही क्रिएशन है। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, सबसे पहली चीज़ मैजिशियन का कार्ड मैजिकल एनर्जीज की बात करता है। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक यू नो मैजिक सा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जादू आपकी लाइफ में हो रहा है। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ के लिए हमने उम्मीद ही छोड़ दी, हमें लग रहा है कि भाई अब तो ये होगी ही नहीं, और वो एकदम से हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, तो वो एक तरीके से मैजिक ही होता है। तो लिटरली इस तरीके की एनर्जीज हैं। और अदरवाइज जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है जब तक कि आपकी इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई आपको यू नो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली डील कर रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है, और आपके मन में डाउट आ रहा है, तो आप चौकन्ने रहें, आप कॉशियस रहें, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान भी हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको यू नो मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगेन हेल्दी मैनिपुलेशन है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स पे डाउट हो तो आप ज़रूर कॉशियस हों।
अदरवाइज अगेन मैजिशियन का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर पावर है और इस चीज़ की रियलाइजेशन रखें, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही हर चीज़ को आप डील करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन टॉरस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे फिर वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से प्लानिंग उस डायरेक्शन में चाहिए। अब बहुत सारे चांसेस हैं जेमिनीज कि आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप विजन तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, आप ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन कहीं आप रियलिस्टिक मेजर्स नहीं ले रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैजिशियन एंड फुल मून एंड टॉरस के कार्ड्स आपको यही रिमाइंड करा रहे हैं कि आप जो चाहेंगे उनको अचीव कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बनाएं, आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मेरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ माइकल और ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो एंडिंग बिगनिंग सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल पे आप एंड करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए आप चाहें ना चाहें एंडिंग बिगनिंग हो रही है। दोनों ही सिनेरियो में कहीं पुरानी चीज़ों को आप लटको नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पुरानी चीज़ें को जब तक हम लेट गो नहीं करते हैं, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आते हैं, तब तक वो एक ग्रोथ प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल अगर आप इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में खासकर करते हैं तो ये वीक अच्छा जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अब देखिए ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी, इनफैक्ट बहुत ही छोटे मोटे लेवल पर रहती हुई दिख रही है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। सिंपली कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके को बदलना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने किसी बिलीफ सिस्टम थॉट प्रोसेस को बदलना चाह रहे हैं, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है जो एंड हो रहा है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कहीं ये एक फेज आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट या फिर उनके साथ जो एक कम्फर्ट है उसको लेकर आप कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, रिजिड तो नहीं मैं कहूँगी, कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये वीक बेहतर जाएगा आपका और वो एक ग्रोथ प्रोग्रेस जो आप चाह रहे हैं वो भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ एरियल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत किसी चीज़ को आपने अपने पर्सनल फ्रंट में होल्ड ऑन करा हुआ है। अब फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी थॉट बिलीफ सिस्टम को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी की कोई बात बुरी लग गई उसको टाइटली पकड़ा है, कुछ के लिए हो सकता है किसी की कोई बात अच्छी लगी उसको टाइटली पकड़ा हुआ है, कुछ के लिए हो सकता है किसी जगह को किसी इंसान को टाइटली पकड़ा हुआ है। वैन ऐसे किसी इंसान को टाइटली पकड़ा हुआ है मतलब किसी रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं आप बहुत ज़्यादा ही उसके साथ अटैच हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी की बात बुरी लग गई तो उसके साथ भी जब आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो अटैचमेंट ही हम कहेंगे। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लाएं, थोड़ा सा अगर ओपन हो आप चीज़ों को लेकर, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे और वो एक हैप्पीनेस जॉय भी लेकर आ पाएंगे। तो फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस मेंटेन करें होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को हमें होल्ड ऑन करना है, किस चीज़ को हमें लेट गो करना है और ये चीज़ हम सीख लें, यकीन मानिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जब हम
किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी ज़िंदगी के लिए ही आप लेट गो कर दें, क्योंकि ये कार्ड आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीक के लिए अगर आपको लगे कि आप किसी चीज़ को लेकर अटैच हो रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस वीक ज़रूर उस इंसान को, चीज़ को, जगह को, थॉट प्रोसेस को, बिलीफ सिस्टम को लेट गो करें। अदरवाइज फोर ऑफ एरियल इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, मनी पैसे को सेव करने की बात करता है, इन्वेस्ट करने की बात करता है। इनफैक्ट कुछ यू नो कैंसीरियंस को ये भी लग सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, आप एक यू नो इन्वेस्टमेंट समझ के कर रहे हैं कि भाई आज मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगी जिसके रिजल्ट मुझे आगे जाके मिलेंगे। तो देखिए, अगर एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ ओवर ना करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लुक एट अ बिगर पिक्चर। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम इतना फोकस करते हैं और माइंड में इतना उनको बड़ा बना के खुद को परेशान करते हैं, उनको आपने इस वीक इतनी अहमियत नहीं देनी है, बड़ी पिक्चर को देखना है। जो भी आप कर रहे हैं, अगर छोटे मोटे इश्यूज़ भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ब्रॉडर लेवल पे आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए वो चीज़ें अच्छी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लियोस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, और इसके हिसाब से देखें तो ओवरऑल के लिए ये वीक आपका प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ पे बहुत टाइम से आप काम कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, कंप्लीट करना चाह रहे थे, नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, इस वीक कहीं वो काम आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से देखें तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक फेज़ या एक चीज़ एंड हो रही है, या फिर आप कर रहे हैं और नया फेज़, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, या फिर आप करना चाह रहे हैं, और ये एंडिंग बिगनिंग कहीं काफ़ी पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। एंड क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रह सकती है। अब मैंने इसलिए बोला किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे, तो डिफरेंट ही यू नो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी रहेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपके कोई क्लाइंट है आउट ऑफ द कंट्री, आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा उनसे इंटरेक्शंस हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ के लिए वीज़ा, पासपोर्ट या किसी भी तरीके की अगेन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड एक्टिविटी, चीज़ें इस वीक रह सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए फोर ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, और ये कार्ड एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, बहुत ही एक यू नो ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ हो सकता है कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ओवरऑल फन, मज़ा, मस्ती रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, ये फन, मज़ा, मस्ती सब लियोस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई खास इंसान है, आप उनसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, ये चीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी रह सकता है। अब देखिए, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। सिंपली यू नो
कुछ के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना रेजिडेंस बदलना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हर लियो का इस वीक घर चेंज हो रहा है, बट कोई लव्ड वन है जिनका घर गृह प्रवेश हो रहा है। और ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी पॉजिटिव चेंजेस पर्सनल फ्रंट में आ रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए इस वीक चेंजेस आपकी लाइफ में रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एंड कैंसर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है या फिर थोड़ा सा आपके मन में एक फियर आ रहा है कि पता नहीं आप सेफ हैं या नहीं हैं, या आपके लव्ड वंस सेफ हैं या नहीं हैं, कुछ इशू तो नहीं होगा, कुछ मसला तो नहीं होगा, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का कार्ड आपको कहता है आप भी सेफ हैं, आपके लव्ड वन भी सेफ हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फोर ऑफ रफेल और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने गोल मकसद को लेकर उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो रीजन सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज हैं और कोई खास रीजन कार्ड के हिसाब से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई ऐसा मुद्दा या प्रॉब्लम या इशू नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो या फिर जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करें। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि आपके आसपास सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन कोई भी चीज आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। हो सकता है किसी चीज को लेकर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अब फिर से कहूंगी, देखिए रीजन सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन जो भी हो कुछ तो आपने जरूर इस वीक करना है वर्गोस, जिससे कि आपका एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट बरकरार हो, आप अपने गोल अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड फील करें, क्योंकि ये तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए और हैप्पी फील करने के लिए। तो इन पे जरूर आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ वर्क करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए थ्री ऑफ रफेल का कार्ड है और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रियूनियन की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कोई सेलिब्रेशन हो रही है। मैंने इसलिए कहा किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में या फिर किसी लव्ड वन, क्लोज वन की फैमिली में मैरिज, एंगेजमेंट जैसी बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप छोटी मोटी पार्टी, छोटा मोटा गेट टुगेदर अपने घर प्लान कर रहे हैं या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर है, और अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है तो सिंपली हो सकता है आप ज्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप अपने किसी फ्रेंड या फिर खास इंसान के घर लंच पे, डिनर पे जा रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं या आप कॉफी पे जा रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ। तो जो भी चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट लेवल, डिफरेंट तरीके की सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। तो पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश करें तो प्रोफेशनल फ्रंट भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एंड स्कॉर्पियो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। अब देखिए, ये दोनों ही फ्रंट्स में से किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, ओवरऑल के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं। तो
अपने फियर्स को ओवरकम करें, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, एंड ट्रस्ट मी, आप इस पे वर्क करेंगे, आप देखेंगे कि लाइफ कितनी आसान हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लीप ऑफ फेथ, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप रिस्क ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन कहीं यू नो बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आप चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लिब्रास की उनकी खुद की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू नो आपको रिस्क लेना ही लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कैलकुलेटेड रिस्क जब तक हम नहीं लेते हैं लाइफ में, तब तक हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इमैच्योर रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, तो फिर हम परेशान होते ही होते हैं। तो रिस्क लें आप, ज़रूर चांसेस लें, लेकिन कैलकुलेटेड चांसेस लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। और अगर कोई बड़ी ही चीज़ हो तो जिस भी इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे ज़रूर एक बार ये डिस्कस कर लें, बात कर लें। और दूसरी बात, ये कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है, नए सिरे से चीज़ों को करने की भी बात करता है। और इस वीक आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, भाई जो होगा वो होगा, देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज नहीं करना है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है और अपने दिल की आवाज से ही आगे बढ़ना है। और देखिए, अगेन अगर ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हार्ट और माइंड का बैलेंस आइडियल सिचुएशन होती है, ना तो हमें पूरा ही दिल की सुननी चाहिए और ना ही हमें पूरा ही दिमाग की सुननी चाहिए, तो एक बैलेंस भी आप जरूर मेंटेन करें। अदरवाइज लीप ऑफ फेथ इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है जिस भी गॉड को आप मानते हैं और यू नो जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट रखें, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट रखें और आगे बढ़ते रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ एरियल का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें ज़्यादा अहम रह रही हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पीछे अगर इश्यूज़ मसले हो रहे थे तो इस वीक किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अगेन सबके लिए डिफर करेंगे, पीछे यू नो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप हो सकता है, मनी पैसा हो सकता है, यहाँ कंफर्ट लग्जरी होती हो सकती है, उससे रिलेटेड नहीं महसूस कर रहे थे, तो इस वीक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसी डायरेक्शन में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा है जिससे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत हो रही है, आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं इस वीक। कुछ के लिए हो सकता है आपकी ही थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होके चलना है, लेकिन अब बिल्कुल ही यू नो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाए ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा एक इमैच्योर एनर्जीज भी आपकी रह सकती हैं, और अगर ऐसा आप पाएं तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। देखिए, चाइल्डिश एनर्जीज एक उस तरीके की, जो बचकानी एनर्जीज भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होता है कि इनोसेंस वाला बच्चा होता है जिसमें बड़े ही हम प्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं। एक होता है बच्चा जिसको पता नहीं है और वो बिना चीज़ों को समझे काम कर रहा है, और जो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील करता है और फिर चीज़ें खराब होती हैं। तो यहाँ पे जो एक इनोसेंस वाला बच्चा है वो एनर्जीज में रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमैच्योर अपने आप को आप पाएं तो ज़रूर इसको चेक करें। और इनफैक्ट मैं कहूँगी दोनों ही फ्रंट्स में, जब तक कि आप कंप्लीटली श्योर ना हो, कंप्लीटली श्योर अगेन प्रोफेशनल फ्रंट में मैंने आपको कहा कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, बट फिर भी दोनों ही फ्रंट्स में मैं कहूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप कोई बड़ा काम अगर कर रहे हैं, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें ज़रूर, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और आपको लगता है कि उन्हें बहुत समझ है, उनसे एक बार ही डिस्कस कर लें। बिना डिस्कस करे, बिना यू नो बात करें, आप बड़ा कोई काम इस वीक ना करें, ये दोनों ही फ्रंट्स के लिए रहेगा। अदरवाइज दे बोथ आर पॉजिटिव कार्ड्स,
ये वीक आपका ठीक ठाक जाएगा। बस इमैच्योर तरीके से चीजों को ना डील करें, इसका खास ख्याल रखना है। और फिर से जोर देकर कहूंगी कि बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है तो दोनों ही फ्रंट्स में किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से, जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जरूर एक बार डिस्कस करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एंड लियो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो देखिए, जो भी काम कर रहे हैं ना, इस वीक बहुत कॉन्फिडेंटली करें। वैसे तो हमेशा ही हमें ऐसी एनर्जीज में रहना चाहिए, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही इस वीक आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट किया या फिर यू नो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को नहीं किया, फिर इश्यूज मसले रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ माइकल और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, बट ये चैलेंजेस, ये मसले आपकी इंटेलेक्ट, आपकी विजडम से बड़े नहीं हैं। यानी कि आप इतना वाइजली, इतना लॉजिकली, एनालिटिकली इन चैलेंजेस को डील कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीक आप इन पे सक्सेस पाएंगे, विजय पाएंगे और आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी। क्योंकि देखिए, जब भी कुछ इशू मसला होता है ना और हम उनको, उसको बहुत स्ट्रांगली जब डील करते हैं और हमें उसमें सक्सेस मिलती है तो बड़ी एक अचीवमेंट वाली, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग होती है। तो वैसा सा कुछ ये वीक आपका जाता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी गोल है, सिर्फ और सिर्फ आप उस पर फोकस कर रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप आपको आपके गोल से डिविएट या डिस्ट्रैक्ट नहीं इस वीक कर पाएगा। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं, डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है और जब सक्सेस मिलती है तो फिर से मैं कहूँगी हम अच्छा फील करते हैं। तो कहीं रिलेशनशिप्स को आप अहमियत नहीं देते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी चीज़ को आप अपने गोल, अपने मकसद से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन भी जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है। ऑल इन ऑल ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए गैब्रियल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे इश्यूज पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, और ये जो छोटे मोटे इश्यूज मसले होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो जब आप कार्ड में ये सुन रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है। नीचे कमेंट में ये नहीं लिखना है कि मैम रीडिंग नेगेटिव है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, वही आपको बता रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन के बाद कार्ड्स को शफल करती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ। जो कार्ड आता है वो यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज होता है, यूनिवर्स की तरफ से उस वीक की एनर्जीज आपके लिए बता रहा होता है। तो इसमें मैं बियॉन्ड द पॉइंट कुछ नहीं कर सकती। और इनफैक्ट देखिए, जो भी हमारी सिचुएशन है वो इन इट्सेल्फ में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। जब हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं हमें लगता है पॉजिटिव है, जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है हमें लगता है नेगेटिव है। और कितनी बारी जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, यूनिवर्स के हिसाब से हो रही होती हैं, उस टाइम हमें लग रहा होता है कि ठीक नहीं है, लेकिन बाद में हमें ऐसे लगता है कि भाई वो तो सबसे अच्छी चीज़ थी जो उस टाइम हुई थी, हमें बुरा तो उस टाइम पर ज़रूर लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि छोटे मोटे इश्यूज़ मसले हैं, अब आप किस तरीके से इसको डील करते हैं ये एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यानी कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करते हैं या आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करते हैं, और वही चीज़ डिसाइड करती है कि आपका वीक कैसा जाएगा या फिर एक्सटर्नली कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो वो कितनी ख़राब होगी। जब हम पॉजिटिवली डील करते हैं तो फिर हम खराब चीज़ को भी ठीक कर देते हैं, और जब हम नेगेटिवली डील कर रहे होते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को भी खराब कर देते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए, पर्सनल फ्रंट के लिए मैसेज यही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, किसी भी तरह का ड्रामा हो रहा है किसी भी इंसान की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से, उसमें खुद को ना इन्वॉल्व करें एकदम से। जैसे आपको लगे ना भाई अब इधर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इशू हो सकता है, ड्रामा क्रिएट हो सकता है, आपने उसमें से गायब हो जाना है। ऐसा करेंगे ये वीक बहुत अच्छा जाएगा, नहीं करेंगे तो खाम खां की चीज़ों में उलझ सकते हैं और फिर
वीक के एंड में आपको ऐसे लग सकता है कि यार यू नो अच्छा नहीं गया वीक. एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए म्यूटेबल मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. तो जो भी यू नो आप सोच रहे हैं या फिर हो रहा है वो कोई पक्का नहीं है कि यही होगा, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. तो अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि भाई अब तो ये हो ही गया, क्योंकि बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, चेंज हो सकता है. तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा संभल के चलें. और अगर नेगेटिव ही कुछ हो रहा है आप सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके होने के कोई खास चांसेस नहीं है, ये अभी भी चेंज हो सकता है. तो अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव करें, पॉजिटिवली डील करें, और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं उस पर आप फोकस करें अगर नेगेटिव हो रहा है तो. एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फिफ्थ हाउस का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे. एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे. तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल. और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए. तो चलिए सिरिडेरियस आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं. तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टू ऑफ माइकल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं. आपको ऐसे लग सकता है इस सिचुएशन में अटक गए, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे जा पा रहे हैं. अब देखिए इसके लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको कोई चॉइस करनी है आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप नहीं ले रहे हैं. और जब तक इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी जाहिर सी बात है आप स्टक तो महसूस करेंगे ही करेंगे. एंड एक और चीज़ ये कार्ड कहता है आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं. और देखिए ऐसा हम तब करते हैं जब हमें डर होता है कि हमने सिचुएशन को डील किया तो कहीं हम परेशान ना हो, हम हर्ट ना हो, और हम उस हर्ट से बचने के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं. इस चीज़ का एहसास उस टाइम हमें नहीं होता है कि इग्नोर करने से हमारे इश्यूज, हमारे मसले सॉल्व नहीं हो रहे, वो बैक एंड पे बढ़ते ही जा रहे हैं, और एक दिन वो इतने बड़े हो जाएंगे कि हम उनको चाह कर भी नहीं अवॉइड कर पाएंगे, और फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी. तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगी, सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ इशू मसला लग रहा है तो आप उसको इग्नोर ना करें, अपफ्रंट होके डील करें. डिसीजन, चॉइस, एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है तो वो भी जरूर लें. और अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा, यकीन मानिए इस स्टक एनर्जीज में से आप बड़े ही आराम से बाहर निकल जाएंगे. और अगर आपने इन चीजों का ख्याल नहीं रखा तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं. एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए सेवन ऑफ रफेल का कार्ड है. तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में कहीं डिसीजन चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, आप नहीं ले पा रहे हैं. और मैंने प्रोफेशनल फ्रंट में तो आपको बताया रीजंस क्या है कार्ड के हिसाब से, पर्सनल फ्रंट में शायद यू नो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि वाकई में आप चाहते क्या हैं. कभी आपका मन यू नो एक चीज की तरफ जाता है तो दूसरे ही पर दूसरी चीज की तरफ जाता है, और आप कहीं यू नो फिर से मैं कहूंगी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए. और अगर आपने डिसाइड भी कर लिया तो भी कहीं आप डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हैं. अगेन बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी, डिविएटेड सी एनर्जीज हैं. और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेजिटेरियस कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड पे करें. सबसे पहली चीज अपने आप से पूछें, अपने आप से जानें कि भाई आप आखिर क्या चाहते हैं, और उसी डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें. बहुत सारे चांसेस ये भी हो सकते हैं सेजिटेरियस कि आप सोच बहुत रहे हैं, आप प्लान बहुत कर रहे हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं. और ऐसा भी अगर आप करेंगे तो फिर जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको आप नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना विजन विदाउट एक्शन इज नथिंग. जब तक एक्शन नहीं लिया उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो इन दो चीज़ों का आपने पर्सनल फ्रंट में भी ख्याल रखना है. ऐसा किया ये वीक आपका अच्छा जाएगा, नहीं किया तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसे लग सकता है कि यू नो टाइम वेस्ट हुआ और कुछ कॉन्क्रीट हासिल नहीं हुआ. देखिए
दोनों ही कार्ड्स कुछ भी खराब होने की बात नहीं करते हैं, न्यूट्रल चीज़ों के रहने की बात करते हैं। और अगर इनसे गाइडेंस लेकर आपने अप्लाई किया लाइफ में, तो आप कॉन्क्रीट तरीके से एक पॉजिटिव इस वीक को कर पाएंगे। और अगर नहीं किया तो कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ ग्रेट या फिर कुछ अच्छा जो आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन कैंसर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपको लग रहा है रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, और ये पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस का कार्ड कहता है कि आप जो भी गाइडेंस आपको प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट के कार्ड दे रहे हैं उसको लें, उसको अप्लाई करें, और आप ऐसा करेंगे तो जो इशू आपको परेशान कर रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एट ऑफ राफेल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इशू है, कुछ मसला है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है। कभी कभी होता है ना कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, वो हैप्पीनेस जॉय नहीं दे पा रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कोई चीज़ आप छोड़ कर जा रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, कोई और प्रोजेक्ट ले लो। कुछ के लिए हो सकता है जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उनको या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ही सिनेरियोज आपको बताऊं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड कहता है कि किसी चीज को छोड़कर आगे या तो आप बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ना चाह रहे हैं, और इन द प्रोसेस कहीं आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, ये लाइफ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा ही एक जैसा हो। ये अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको मोल्ड करें। होता है ना कभी कभी जब हम थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं, और अगर हम इसी से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसे वाली सेल्फ टॉक करना शुरू कर दें खुद के साथ, हाँ लाइफ में तो कुछ रखा ही नहीं है, सब लोग अपने मतलब के हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अगेन, ये जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको लेकर डिफरेंट, एक नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, बट ऐसी सेल्फ टॉक जो कि आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रही है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखते हैं कि ठीक है भाई, कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं भी होती चीज़ें, या फिर कभी कभी नहीं भी हमें वो सेटिस्फेक्शन जॉय मिलती है, इट्स फाइन, चलो भाई क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हैप्पी फील करें या फिर एक जॉय महसूस करें, उन काम में, उन चीज़ों में हम खुद को इन्वॉल्व करें, वो एक्टिविटीज़ हम करें, तो हमारा माइंड शिफ्ट होता है, हम बेटर फील करते हैं, और वो सिचुएशन भी बड़ी इजीली हम निकल जाते हैं। तो देखिए, ऐसे आप चीज़ों को डील करेंगे तो ये वीक आपका अच्छा जाएगा। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनली लो फील कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आपने सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दी खुद के साथ, तो फिर और ज़्यादा इन्हीं एनर्जीज़ को आप बढ़ाएंगे और थोड़ा सा उदास मायूस हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए फाइव ऑफ एरियल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक रिजेक्शन या फिर एक अकेलापन या थोड़ा सा एक किसी भी चीज़ को लेकर लैक यानी कि कमी आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और अगेन, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं और हम कैसे उनको डील करते हैं ये ही डिटरमिन करता है
कि कितना ये सिचुएशन में हम परेशान होंगे, कितना इजीली इस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएंगे। अब कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लव्ड वन आपको उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में, थोड़ा सा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ही किसी को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको अपनी एक्टिविटीज में नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है मनी पैसे को लेकर छोटे मोटे इश्यूज मसले आप फेस कर रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप कोई बड़ी परचेज या फिर कोई चीज आपका खरीदने का मन है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी से उधार लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अब देखिए जो भी सिचुएशंस मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि उतना लोग आपको चीजों में इंक्लूड नहीं कर रहे या फिर आपको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें तो ये वीक ठीक ठाक निकलेगा। और अगर आपने इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपने माइंड में बहुत बड़ा बनाया, तो इशू मसला इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि आप परेशान हो जाएंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए, फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है और ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जितना आप अपना फायदा सोचें उतना सामने वाले का भी सोचेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे तो इस वीक को आप और बेहतर कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा परेशान हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड वाइट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द सन। द सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। सन का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, और कुछ ऐसा ही ब्रॉडर लेवल के लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर पीछे कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इस वीक काफ़ी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। पीछे नेगेटिव फील कर रहे थे, इस वीक एक पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट मेहनत कर रहे थे और इस वीक उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आना है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट रहता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज भी एक सक्सेस, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको रह सकती है। कभी कभी होता है ना कि हमें रिजल्ट मिल ही गया और हमारी विक्ट्री हो ही गई, और कभी कभी विक्ट्री और सक्सेस नहीं हुई इन द सेंस कि अभी आउटकम, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं कि भाई अब ये चीज हम अचीव कर लेंगे, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट सब कुछ रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टू ऑफ एरियल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि चीजें बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट होती हुई दिख रही हैं। व्हेन आई से अप एंड डाउन, इन एंड आउट, मतलब किसी दिन आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, दूसरे दिन आप लो फील कर रहे हैं, किसी दिन बहुत मोटिवेटेड हैं अपने गोल के लिए या जो भी आप पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं, दूसरे दिन आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, किसी दिन आपको लग रहा है कि भाई आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ बड़ा एक अच्छा कनेक्शन है, दूसरे दिन आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में उनके लिए कुछ है भी या नहीं है, या उनकी तरफ से भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। अब देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पेसिफिकली ऐसा आपके पर्सनल फ्रेंड में होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ रही हैं और आप एक बैलेंस उन्हीं सब चीज़ों में मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं तो दूसरा काम सामने आ जाता है, और दूसरा करते हैं तो तीसरा आ जाता है, और इन सब कामों को आप बैलेंस
करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इनमें एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ भी खराब नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट यस यू नो टू मेनी थिंग्स हैपनिंग और उनमें आप इन्वॉल्व हैं, उनमें आप ऑक्यूपाइड हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये करते हैं तो लगता है वो निग्लेक्ट हो गया, वो करते हैं तो लगता है यू नो कोई और चीज निग्लेक्ट हो गई, और फिर इन सब चीजों को कैसे एक साथ करें इसी पे ही इस वीक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी पैसे से रिलेटेड या कोई भी और चीज का एक्सचेंज भी इस वीक रह सकता है, और ये एक्सचेंज सबके लिए डिफर करेगा। फिर से कहूंगी ये जनरल रीडिंग है एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है जो भी आप पाना चाहते हैं आप डेफिनेटली उसको पा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए या फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जब तक हम ये बोलते रहेंगे ना यार ये हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तक हम जो भी कर लें हम उस चीज को नहीं अचीव कर पाएंगे। द मोमेंट यू नो हम सोचते हैं ये पॉसिबल है इज द मोमेंट, हमारा पहला बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन, उसको अचीव करने के डायरेक्शन में होता है। तो अगेन देखिए इस चीज पे विश्वास रखें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को भी ब्रेक करें तो उसमें लिखा है आई एम पॉसिबल, तो इन इस एनर्जीज में रहें और आप देखेंगे कि कैसे जो चीज आपको लग रही है कि नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती है, वो कैसे आपके लिए पॉसिबल हो रही है, कैसे आपके लिए मुमकिन हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नाइन्थ हाउस का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है थ्री ऑफ गैब्रियल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर उतनी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, या फिर कुछ पाइसेस के लिए लिटरली हो सकता है कि आप डिलिबरेटली एक पॉज ले रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पहले अच्छे से फ्यूचर के की प्लानिंग कर लें, लॉन्ग टर्म गोल्स बना लें, उसके बाद ही एक्शन इनिशिएटिव लेंगे। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस वीक जो भी करंट सिचुएशन है उस पे आपका उतना फोकस नहीं है, उसको आप उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, कहीं फ्यूचर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर ज़्यादा आपका कंसर्न रहता हुआ दिख रहा है, और उसी से ही रिलेटेड अगेन आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह रहा है, और ये इंतज़ार सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई सही समय आएगा ना तभी हम ये काम करेंगे। एंड कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने एफर्ट किया उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए फोन कॉल, ईमेल, मैसेज, किसी भी चीज का इंतजार रह सकता है। तो ऑल इन ऑल ये न्यूट्रल कार्ड है, तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा, लेकिन कुछ भी ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा। एक सोच, एक प्लानिंग, एक इंतजार इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एपिफेनी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा यू नो आप एक अकेलापन इस वीक या तो चाह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है महसूस कर रहे हैं। अब देखिए अकेलापन महसूस करने के लिए अकेले होना जरूरी नहीं है। कितनी बारी हम अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ होते हैं फिर भी हम एक कनेक्शन नहीं महसूस करते हैं, फिर भी हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई साथ ही नहीं है, और कभी कभी ऐसी एनर्जीज में हम रहते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से कहूंगी कुछ के लिए डिलिबरेटली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे ना थोड़ा सा सबसे डिस्टेंस करना है, अपने लिए स्पेस चाहिए, अपने अकेले के साथ टाइम स्पेंड करना है। और अगेन दिस इज अ न्यूट्रल कार्ड, कुछ भी खराब नहीं है, गलत नहीं है, और कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है। एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, एक सोच रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट देखिए दोनों ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रह रही हैं।
जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप अच्छे से प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ मी टाइम आप चाहते हुए दिख रहे हैं, मी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सेल्फ के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सबका तरीका डिफर कर सकता है, कुछ के लिए होता है ना कि वो वेकेशन पे चले जाते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे, बस उनकी बुक्स होती हैं और जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं उनमें वो खुद को इन्वॉल्व करते हैं। अगेन मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एंड इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बिना सोचे समझे तो मैं नहीं कहूंगी, एक सोच तो हमारे मन में चल ही रही होती है, लेकिन जब हम बैक टू बैक एक्शन लेते रहते हैं ना तो कहीं हम नहीं चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जब थोड़ा सा पॉज लेकर हम अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, हम थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है आगे बढ़ने का। तो इस वीक उस तरीके का एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को खोजते हुए किसी चीज़ को ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखिए ये खोज ये ढूंढना सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कोई आइडिया है जो भी आप चाह रहे हैं उस आइडिया को आप ढूंढ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है मन ही मन एक थॉट चल रहा है कि भाई वो एक कंपेनियन जो वाकई में साथ दे वो मिल जाए, और मन ही मन उसकी एक खोज चल रही है। अगेन जो दो चीज़ें मेरे मन में आई मैंने आपको बताया, सबके लिए ये खोज डिफर कर सकती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपकी कोई चीज़ खो गई और आप उसको इस वीक ढूंढ रहे हैं। तो फिर से देखिए दोनों ही न्यूट्रल कार्ड्स हैं, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है, एक पॉज लेने वाली एक इंट्रोस्पेक्ट करने वाली एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है। अब देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं इसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आप सरेंडर मोड में रह रहे हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं आप थोड़े से चीज़ों को लेकर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको एडवाइस करता है कि आप अपना कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना रखें, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि फल को आप डिवाइन पर छोड़ दें। गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसी एनर्जीज में रहना चाहिए, और अगर हम ऐसी एनर्जीज में रहें यकीन मानिए हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन नहीं रह पाते हैं। इस वीक आप लोगों के लिए खास गाइडेंस है, तो इस वीक आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।